भोजन संघ रामलीला का मंचन शुरू। श्री रामलीला मैनेजिंग कमेटी के तत्वधान में मंगलवार को मुकुट पूजन के साथ रामलीला का आगाज हो गया। सुधरा मेला के मुख्य मदार के छोटे मैदान स्थित मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के मुकुटों का पूजन किया गया। पूजन पंडित जगदम्बा प्रसाद ने कराया। मुख्य यजमान दिल्ली से आए और कमेटी के सदस्य राघव गोयल सह परिवार रहे। शहर की कुछ प्रमुख हस्तियां एवं पत्रकारों को स्मृति चिन्ह और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक नरेश अग्रवाल, अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, मंत्री राजीव बंसल, रोहित बंसल, संदीप बंसल, मयंक बंसल, अंशुल बंसल आदि रहे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। आरोग्यमस्तु। को लेकर और रामलीला शुरू होने वाली है, क्या तैयारियां रहेंगी? आज क्या कार्यक्रम हुआ है? रामलीला की सभी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वो शाम तक पूरी हो जाएगी और आज शाम को 8:30 बजे रामलीला प्रारंभ होगी और शाम को 5 बजे मंच पर अमरकांड का पाठ किया जाता है। इस बार क्या विशेष रहने वाला है रामलीला में? इस बार जो विशेष रहा है, जो पंच मंच आया है वो फाइबर का बनवाया हुआ है और उसका बिल्कुल नया ही रूप और नया ही रूप। रावण के बनाने की जो तैयारी रहेगी वो कितने फुट रावण की तैयारी की है? रामलीला कमेटी इस बार क्या विशेष करने वाली है मुरादाबाद के लोगों का? देखिए, रामलीला ये 125 वर्ष पुरानी प्राचीन रामलीला है। इसकी तैयारियाँ बहुत भव्य तरीके से पूरी कमेटी इसमें जुटी हुई है और रावण बस सौ का बनेगा और सौ के रावण के नाम पहाड़ से हमने झांकियाँ और बहुत अच्छे अच्छे आइटम मंगवाए हैं जो गली दिख रही है और राजगद्दी में भी दिख रही है। जो रामलीला कमेटी है, जो रामलीला करने वाली है टीम जो करेगी, वो उसको कहाँ से आमंत्रित किया गया है, कहाँ से किया? जो रामलीला का मंचन कर रही है वो मुरादाबाद की लोकल मंडली है और राम सिंह की प्रकार जो मुरादाबाद के बहुत फेमस कलाकार थे उनका देवता राहुल को मंचन करा रहे हैं। मुरादाबाद के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे समाज के लोगों? मुरादाबाद के लोगों से मेरी अपील है कि मैं उनके विजय जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी राम भक्तों का अनुरोध करता हूँ कि वो इस रामलीला में बढ़ चढ़ कर आए और भगवान राम के दर्शन करें, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करें।